नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आप जानेंगे कि अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो आप कैसे 11 तरीकों से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, चाहे वो नोट सीरीज हो, एस सीरीज हो, ए सीरीज हो, एम सीरीज हो, एफ सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, तो आप 11 तरीके से अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता था कि 11 तरीके से स्क्रीनशॉट को लिया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा स्क्रीनशॉट का मेथड आपको सबसे ज्यादा पसंद आए और सबसे ज्यादा यूजफुल हो। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो। मगर दोस्तों, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते हैं, जबकि ये बिल्कुल फ्री है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन भी डबल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले मेथड की तरफ, जिससे आप अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है। आप जानते हैं कि आपका पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को बस एक साथ आपको प्रेस करना और आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो सेटिंग्स में ही अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको इंटरैक्शन डेक्सटरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसमें असिस्टेंट मेनू है जिसको आपको यहां से इनेबल कर देना है, अलाउ कर देना है। और आप देखेंगे कि एक छोटा सा मेनू यहां पर आ जाता है जिसको आप टच करेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा। इसको आप चाहे तो लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो। और जैसे ही इसको आप टच करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके सामने इतना सारा मेनू खोल के देता है जिसमें स्क्रीनशॉट है, बस इसको आप टच करेंगे और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है और इसमें थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एज पैनल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको यहां से आपको इनेबल कर लेना है। और जैसे ही इनेबल करेंगे आप देखेंगे आपका एज पैनल यहां पर आ जाता है जिसको आप यहां से ला सकते हैं। और जितने भी पैनल्स आपका एक्टिवेटेड है उसको आप राइट या लेफ्ट करके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कितने सारे पैनल्स हैं, जिसमें अगर आपका टास्क पैनल है, जो कि ये टास्क पैनल है, अगर ये आप यूज कर रहे हैं तो टेक स्क्रीनशॉट है यहां पर, बस ऐसे आपको टच कर देना और देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। और पैनल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको पैनल्स में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पैनल्स हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है बस यहां से इसको आपको टच कर देना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर टास्क पैनल आप में अभी नहीं है तो आप गैलेक्सी स्टोर में जाकर उस पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट की एज भी है, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो पहले बैक जाएंगे, एज पैनल को लाएंगे और लेफ्ट स्वाइप करके आप सॉफ्ट की एज को लाएंगे। और जैसे ही ले आएंगे आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन कैप्चर का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, बस इसको आपको टच कर देना, देखिए अगेन से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो पूरा का पूरा स्क्रीन का आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं एक सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट लेना तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं पांचवा मेथड स्क्रीनशॉट का, जिसमें आप पार्शियल स्क्रीनशॉट लेंगे। अगेन आप एज पैनल में जाएंगे, अभी राइट स्वाइप करेंगे और आप देखेंगे कि आपको मिल जाता है स्मार्ट सिलेक्ट का ऑप्शन, जिसमें आपको रेक्टेंगल भी है, ओवल भी है। एग्जांपल के लिए रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर आपको एक एरिया मिल जाता है जो सिलेक्टेड है। इसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, जितना आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, किसी भी एज से आप इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि बस इतना ही मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, डन कर देंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, बस यहां से इसको कर देंगे और देखिए इमेज गैलरी में सेव हो जाता है। अगर आप देखना चाहे वो कहां पर है तो आपको गैलरी में जाना होगा या फोटोज में जाना होगा और सबसे लेटेस्ट फोटो में जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड स्क्रीनशॉट आपका सेव वो है जितना आपने सेव करने की कोशिश की थी। और यहीं पर राइट जाएंगे तो आप देखेंगे आपने फुल स्क्रीनशॉट जो लिया था वो सारा यहां पर आ जाता है। अब अगेन आप चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर नहीं, कोई दूसरा शेप में आपको करना है, जैसे ये ओवल है तो आप ओवल भी टच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये ओवल शेप में स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि जो वेदर इंफॉर्मेशन है केवल उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए आप यहां पे वेदर इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे, डन कर देंगे, सेव कर देंगे, अगेन फोटोज में जाएंगे, राइट स्वाइप करेंगे जो सबसे लेटेस्ट फोटो, और आप देख सकते हैं ये ओवल में स्क्रीनशॉट लिया गया है वेदर इन्फॉर्मेशन का आपके मोबाइल से। अब इन चार तरीकों के बाद पांचवें तरीके तरफ देखते हैं, जिसमें आप अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि आपने पार्शियल स्क्रीनशॉट लिया, मगर कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसा होता है दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना होता है, यानी पूरे का पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेना होता है, ना सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना होता है या एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो किसी भी वे से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे मैं इस वे से स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बस इसको आपको टैप करके रखना है। और जैसे ही आप टैप करके रखेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल होगा एंड पेज तक और पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। और जैसे ही ले लेता है इसको आप या तो सेव कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, और इसको आप देखना चाहते हैं तो बस यहां से इसको टैप कर दीजिए और देखिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं छठे मेथड की तरफ। तो हम लोग इसको वॉइस कमांड के थ्रू देखेंगे, हे गूगल स्क्रीनशॉट।
और आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट तो ले लेता है मगर ये सेव नहीं करता है ऑटोमेटिकली। ये आपको ऑप्शन देता है, या तो आप शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो शेयर करना हो तो आप जानते हैं किसी को भी आप सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं, मगर सेव करना हो तो आपको एकदम लास्ट में आना है जिसमें आपको मोर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सैमसंग नोट्स एप्लीकेशन खोजना है, चूंकि मैंने पहले भी इसको किया हुआ इसलिए सैमसंग नोट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बस इसको आपको टच कर देना है, एड टू न्यू नोट कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया नोट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपका ये स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर दिख जाएगा। अब स्क्रीनशॉट पे बस आपको टैप करना है, थ्री डॉट्स के मेनू में जाना है, पेज के एकदम लास्ट में जाना है और आप देख सकते हैं सेव इमेज है, बस इसको टच कर देना है और देखिए इमेज सेव हो जाता है गैलरी में। और बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं कि इसको आप अपने फोटोज या गैलरी में भी देख सकते हैं, जो लेटेस्ट स्क्रीनशॉट होगा वो यही स्क्रीनशॉट होगा। अब जैसा कि आपने देखा कि आपको कितनी परेशानी हुई वॉइस असिस्टेंट से स्क्रीनशॉट लेने में, ये आपको ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता है, तो अब हम लोग एक ऐसा मेथड देखते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये सेव करता है। इसके लिए आपको वॉइस कमांड देना होगा, हे बिक्सबी टेक ए स्क्रीनशॉट, और आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता है और आपको ऑप्शन दे देता है सेव करने का या फिर व्यू करने का। आप टच करके इसको व्यू कर सकते हैं और अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जानते हैं फोटोज गैलरी में जाना है, जो लेटेस्ट होगा वो ये स्क्रीनशॉट होगा। मगर यहाँ आपके लिए जानना बहुत जरूरी दोस्तों कि गूगल असिस्टेंट हो या बिक्सबी असिस्टेंट हो, उसको आपको इनेबल करना होता है, हो सकता है आपके मोबाइल में वो डिसेबल हो। चलिए सबसे पहले गूगल को देख लेते हैं, तो गूगल के ये जी आइकॉन पे आपको जाना है, इसके बाद टॉप राइट में आपको ऊपर में आइकॉन मिल जाएगा, इसमें जाना है और इसके सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें जो काम का ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हे गूगल एंड वॉइस मैच है, इसमें आपको जाना है, हे गूगल को इनेबल कर देना है और आपको वॉइस को एक्सेस करवा लेना है ताकि गूगल जो है आपके आवाज को पहचाने और आपके कमांड को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक इसी तरह से आपको बिक्सबी को भी इनेबल करना होता है, तो उसके लिए आपको अपने बिक्सबी वाले फोल्डर में जाना होगा। तो सैमसंग फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिक्सबी का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वॉइस रिस्पॉन्स को हमेशा इनेबल करके रखना है, वॉइस बैकअप को आपको ऑन करके रखना है ताकि आप जब भी हाई बिक्स भी बोले तो आपका सैमसंग मोबाइल उसको डिटेक्ट कर ले और आपके कमांड को एग्जीक्यूट कर सके। अब चलिए बढ़ते हैं नौवे मेथड की तरफ, तो इसके लिए आपको अपने गुड लॉक एप्लीकेशन में जाना होगा। अगर आपके मोबाइल में गुड लॉक एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, तो गैलेक्सी स्टोर में आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके सैमसंग मोबाइल के लिए। इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे नैव स्टार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जाना है, इनेबल कर लेना है, न्यू कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देना है, बटन लेआउट में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड बटन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको जाना है और स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, बस इसको टच करके डन कर देना है और सेव कर देना है। और आप देख सकते हैं कि नीचे का आपका जो नेविगेशन बार है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है नैव स्टार की मदद से। होम पेज में जाना है, बस यहां टच कर दिए, देखिए आप होम पेज में जाते हैं, मगर आपको तो लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको करना है, बस यहां पर आपको टच कर देना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। आप किसी भी पेज में हो, बस वहां पर आपको चले जाना है, यहां पर टच कर देना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। कितना आसान है ये, तीन बटन की जगह चौथा बटन आपको मिल जाता है जो कि स्क्रीनशॉट का है। अब चलिए बढ़ते हैं दसवें मेथड की तरफ, जो कि आपके सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेगा। उसके लिए अगेन आपको गुड लॉक ऐप में ही जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकअप और लाइफ अप दो तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर आपका पुराना वाला गुड लाइफ का वर्जन है तो यहाँ पे आपको फैमिली देखने को मिलेगा, तो आपको फैमिली पर टच करना है, नया वाला है तो लाइफ अप पर टच करना है। और इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे वन हैंड ऑपरेशन प्लस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंडल आप देख सकते हैं कि आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप सिर्फ लेफ्ट हैंडल यूज कर रहे हैं, राइट हैंडल यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, देखिए ये ब्लू ब्लैक कलर जो है वो गायब हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंडल में ही आप देख सकते हैं आपको तीन तरह का ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रेट राइट यानी ऐसे करने का, डायगोनल अप या डायगोनल डाउन। तो अभी हम लोग स्ट्रेट राइट को ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर स्क्रीनशॉट को ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। और चूंकि ये इनेबल्ड है तो आप किसी भी पेज से कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। अगर आप सेटिंग्स में है वहां भी करेंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको नौ तरीके से स्क्रीनशॉट लेना बता दिया आपके मोबाइल में। अब दसवां तरीका आपको देखना है, तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडवांस फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें जाना होगा, इसमें मोशन एंड जेस्चर्स में जाना होगा। और इसमें लास्ट तरीका आप देख सकते हैं पाम स्वाइप टू कैप्चर, इसका मतलब ये है कि आप अपने हाथ से चाहे राइट से लेफ्ट करें, लेफ्ट से राइट करें, तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों, बहुत ही कन्वीनियंटली, जैसा कि अभी आपने नौ तरीकों में देखा स्क्रीनशॉट लेने का, वो इतना कन्वीनियंट नहीं है, मगर आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, ये आपका दसवां तरीका है। और ग्यारहवां तरीका की बात करें, तो अगर आपके पास सैमसंग का नोट सीरीज का मोबाइल है, चाहे नोट 10 हो, 20 हो या फिर
S22 है तो आप S Pen का यूज कर सकते हैं। S Pen को जैसे ही आप निकाल के टच करेंगे तो उसमें आपको स्क्रीन राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस उसको टच कर देना है और स्क्रीन शॉट ले लेता है। और नोट सीरीज में आपको एक फायदा ये भी है कि उसको आप फर्दर एडिट भी कर सकते हैं अपने S Pen से ही। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 11 तरीके का जो स्क्रीन शॉट का मेथड मैंने बताया आपके सैमसंग मोबाइल में लेने का वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था तो वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, शेयर कीजिए ठोक के, ताकि सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि कैसे 11 तरीके से आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये तो पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य आप और कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के, ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस और नॉलेजफुल वीडियोस अपने इस चैनल पर डालते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके और आप इसका फायदा उठा सके। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।